अब हम 8th क्लास की अभ्यास दक्षता और दक्षता में कल सवाल हो गए थे आपके 6 तक। अब इसके बाद सवाल नंबर लगाना है 7वां। तो सवाल नंबर 7वां कह रहा है दक्षता अभ्यास 13 का सवाल नंबर 7वां, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा 16 सेमी लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या जीवा 16 सेमी लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है 10 सेमी है, ये दूरी हमारी 16 सेमी है। 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त 16 सेमी की जीवा है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये एल बिंदु का प्रस्ताव हो तो सबसे पहले वृत्त COR में त्रिज्या OA बराबर 10 सेमी, जीवा AB बराबर 16 सेमी और OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर। तो यहाँ पर हो जाएगा AM बराबर 1/2 AB के, तो 1/2 × 16 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आ गई, ये 10 सेंटीमीटर है, हमें ओ एम की लंबाई निकालनी है। तो त्रिभुज ए है, त्रिभुज ए ओ एम में ओ एम बराबर अंडर रूट ए ओ स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 × 100 = 64 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी है वो आपकी 6 सेंटीमीटर की दूरी है, 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8 3.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेमी की दूरी पर एक जीवा कीजिए, इस जीवा की लंबाई नाप करके ज्ञात कीजिए, गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर नाप के नहीं बनाना है, सीधे गणना द्वारा उत्तर की जांच कर लेनी है। 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है, केंद्र से 0.7 सेमी की दूरी पर एक जीवा डालनी है। प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए, क्या ये दोनों कोण
के मान बराबर है। तो यहां पर सबसे पहले ओ ए बी और सी डी ये दो है, जिसमें से तीन सेमी ली है, तीन सेमी ली है, तीन ली है, तीन ली है, तीन ली है, तीन तीन सारी मिला तीन तीन है इन दोनों त्रिभुजों की। तो यहां पर वृत्त सी ओ आर में त्रिज्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 3 सेंटीमीटर और जीवा ए बी बराबर सी डी बराबर भी 3 सेंटीमीटर है। यहां पर त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ डी के। तो यहां पर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब त्रिज्या और जीवा दोनों बराबर तो दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, केंद्र पर आंतरिक कोण दोनों बराबर है और केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है। और यहां पर अगर कोण निकालना हो तो आप किसी भी त्रिभुज से निकाल सकते हो कि त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी के कोण बराबर हो जाएंगे ओ ए बी ओ बी ए और बराबर ए ओ बी। तो ओ ए बी प्लस ओ बी ए और प्लस ए ओ बी बराबर 180 है। ये तीनों आपस में बराबर है तो एओबी एओबी और एओबी बराबर 180 है। ये हो जाएगा 3 कोण एओबी बराबर 180 तो एओबी बराबर 180 बटे 3 और एओबी बराबर यहां पर आ जाएगा 60। अब AOB अगर 60 अंश है तो COD भी उसके बराबर है। तो AOB बराबर COD बराबर 60 अंश। AOB और COD ये दोनों कोण बराबर है, केंद्र पर आंतरिक कोण समान है। इसके बाद सवाल नंबर 11 और अंतिम सवाल है। निम्नांकित आकृति में अंतिम सवाल है, निम्नांकित आकृति में पी क्यू आर बराबर 100 अंश, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है, कोण ए पी आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं अंतिम सवाल का चित्र बनाना है। ये आपका केंद्र है, ये जीवा है, जीवा पर बना कोण है केंद्र ओ। तो यहां पर सबसे पहले इतना दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर और कोण क्यू बराबर आपका 100 अंश दे रखा है, कोण क्यू बराबर 100 अंश दे रखा है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले जो आकृति दे रखी है कह रहा है कि वृत्त सी ओ आर में आर में वृत्त सी ओ आर में कोण पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर बराबर 100 अंश है। और इस पर कह रहा है कि पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, ये आपके पास दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम इसकी रचना करें तो रचना कर सकते हैं, क्या रचना कर सकते हैं, दीर्घ वृत्तखंड पर एक बिंदु एस दिया, दीर्घ वृत्तखंड पर एस बिंदु लेकर पी एस तथा आर एस को मिलाया,
इसको मिला। अब यहाँ पर मिला दिया तो आप एक ही देख रहे होंगे कि अब सवाल तुम्हें सॉल्व करना है कि पी क्यू आर एस ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है जिसमें से पी क्यू आर बराबर 100 पी एस आर बराबर 180 है। तो पी एस आर बराबर 180 माइनस 100 तो कोण पी एस आर बराबर 80 है। पी एस आर बराबर 80 अंश की इस कोण का मान आएगा। तो ये परिधि का कोण है, इसके द्वारा हम केंद्र का कोण निकाल देंगे। तो कोण पी ओ आर बराबर 2 कोण पी एस आर केंद्र पर बना कोण 20/2 तो ओ पी आर बराबर हमारा आ गया 10 अंश। तो हमें किसका मान निकालना था, ओ पी आर का मान निकालना था, तो ओ पी आर बराबर हमारा 10 अंश आ गया। तो यहां पर इस तरीके से हमें सवाल को लगाना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पास वृत्त दे रखा है, वृत्त में से पी क्यू आर बराबर कितने अंश है, 100 अंश है, ठीक है। ये 100 अंश दे रखा है, पी क्यू आर ये जो है वो वृत्त पर स्थित है। फिर इसके बाद हमने दीर्घ के वृत्तखंड पर कोई बिंदु एस लिया है जिसे पी एस तथा आर एस को मिला दिया, तो पी क्यू आर एस ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो पी क्यू आर और पी एस आर ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। बेटा 180 अंश होता है, इसमें पी क्यू आर का मान 100 अंश है, पी एस आर निकालना है, तो पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो पी एस आर बराबर 80 अंश आ जाएगा। ये परिधि का कोण होता है, और परिधि के कोण से केंद्र का कोण दुगुना होता है, तो पी ओ आर बराबर 2 कोण पी एस आर के, तो ये हो जाएगा 160 अंश, दुगुना है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है पी ओ आर, जिसमें पी ओ आर में ओ पी और ओ आर ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, ओ पी आर बराबर ओ आर पी के, ओ आर पी ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें ओ पी आर बराबर है ओ पी आर के, ओ पी आर बराबर ओ आर पी के, तो ओ पी आर ओ आर पी की जगह ओ पी आर लिख लिया प्लस 160 बराबर 180, 2 ओ पी आर बराबर 180 माइनस 160।
इसका मान निकालना था कि OPR का मान ज्ञात कीजिए, तो OPR बराबर हमारा 10 अंक संख्या। इस प्रकार से हम दक्षता अभ्यास 13 को आज यही समाप्त करते हैं। फिर आगे आपकी आने वाली जो एक्सरसाइज है वो 14 है, 14 में पठ्य प्रकार की सहायता से बनेंगे, लेकिन इसको अभी नहीं बनवाएंगे 14वें को। अब हम एक्सरसाइज लिख करके चलेंगे संख्यांकी, यानी कि सवाल नंबर एक्सरसाइज 15। क्योंकि रेखाकरण या तो स्कूल खुलने के बाद या मैथ की समाप्ति के बाद तब रेखा गणित आपकी प्रारंभ होगी, तो इस प्रकार से अब अगली एक्सरसाइज होगी वो 15।